सर पार्टी बहुत अच्छी थी, आप लोग को देख के साथ बहुत लोग खुश थे और इन्विटेशन आई सर बहुत। नहीं कामरान बस सब और नहीं, इतना ही काफी है। मैंने सोचा ही नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, इसको सेटल होने में इतना टाइम लग जाएगा। तुम जाओ कामरान। जी सर। अरे आपने आने की तकलीफ क्यों की, मुझे बुला लेती, मैं खुद आ जाता। आए मैं आपको कॉफी पिलाता हूँ। मैं तुम्हें अपने घर बुलाना नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। वैसे भी हमारे दरमियान कोई खुशगवार बात बाकी नहीं रही, सिर्फ तलखियां बाकी रह गई हैं, और तलख बात जितनी मुख्तसर हो उतनी बेहतर है। आपकी नाराजगी एक जगह, मगर मैं और नादिया इसका कोई राह निकाल लेंगे, मुझे यकीन है। पर मुझे यकीन नहीं है, और ना मैं चाहती हूँ कि नादिया का हल्का सा भी ताल्लुक तुम्हारे साथ रहे। तुम दोनों बहन भाई से ज्यादा खुद गर्ज मैंने इस जमाने में कोई और देखा ही नहीं। मैंने नादिया से कहा था कि तुम लोगों पे बिल्कुल भरोसा ना करें, महरुख तुम्हारी शादी कभी भी अहमर के साथ होने नहीं देगी। आप ज्यादती करिए नुज़दा आंटी, महरुख की कोई गलती नहीं है इस मामले में, बल्कि वो तो मुझसे खुद नाराज है। बस रहने दो अहमर, अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा, ना तुमसे ना तुम्हारी बहन से। बस मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि तुम नादिया का पीछा छोड़ दो, उसे झूठी उम्मीद मत दिलाओ। खुद तो तुमने रास्ता अपना बदल लिया ना, तो उसे भी जिंदगी में आगे बढ़ने दो ना। मैं तुम जैसे फरेबी शख्स के साए से भी अपनी बेटी को दूर रखना चाहती हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकती नुसरत। मैं ऐसा ही करूंगी अहमर, समझ गए?